इस रिवर में इस टाइम मछुआरे भी बहुत सारे हैं जो कि मछलियों को पकड़ते हैं, वो भी आगे देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइम ये सॉरी कैसे भर रहे हैं अपने के लगाए हुए हैं भाई। यहाँ से नहीं मालूम हमें शॉर्टकट करना है या हाईवे की, तो हम जाते हैं अब हम शॉर्टकट निकले। आप देख रहे हैं ये यहाँ का सीन बहुत ही अच्छा है। इस साइड से देखिए, तो इससे आगे भी आपको मैं कुछ दिखा दूंगा। तो आपको मैं बताता चलूं, ये जो इलाका है ये भी लुटरा का ही है और इसके बाद जो गांव आता है वो डुबगा है। तो हाँ भाई वही ये तो जाम है, मैं उस गांव की बात कर रहा हूँ जो इस इसके अपोजिट। तो जो रेत वगैरह लोगों को जरूरत होती है वो ज्यादातर यहीं से जाती है क्योंकि यहाँ पे प्योर रेत होती है, उसको हम सैंड कहते हैं। तो भाई क्या मस्त सीन है, यहाँ पे अभी भी वॉलीबॉल चलता है और हम मिस कर रहे हैं अपनी गेम को क्योंकि वहाँ तो बर्फ बहुत है। एक और ब्रिज आया है ये भी छामा गई है, तो देख रहे हैं आप यहाँ से सीन। इसका वो ओल्ड ब्रिज है तो ये वाला न्यू है जहाँ से हम जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी रेत है, यहाँ पे बहुत मेहनत करके इसे निकालते हैं। देखा नहीं है भाई, साफ है। तो गाइस आप देख रहे हैं हमें आदिल भाई मिल चुके हैं, उन्हें मैंने सड़क पे रुकने के लिए कहा था बट वो भी यहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कीचड़ बहुत है। और मैं इस टाइम जहाँ माँ में प्रेजेंट हूँ आपको मैं रिवर भी दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए आप। और इस रिवर में इस टाइम मछुआरे भी बहुत सारे हैं जो कि मछलियों को पकड़ते हैं, वो भी आगे देख सकते हैं। तो इस टाइम कोई प्रोग्राम नहीं था व्लॉग बनाने का, बट तो भी मैंने सोचा यहाँ पर वीडियो क्रिएट कर लूँ मैं। अब आदिल भाई वापस जा रहे हैं, बाकी आपको मैं ये सीन दिखा दूं, यहाँ से देख लीजिए आप। आप देख रहे हैं जो रेत वगैरह है जो लोग लेते हैं ज़्यादातर यहीं से लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत साफ रेत मिलती है। तो ये लुटरा के साथ में ही है, लुटरा से 3-4 किलोमीटर दूर होगा। एक्चुअली हमें पार्सल लाना था तो इसलिए मैं आबिद भाई के साथ यहाँ तक आया, तो अब वो बारामला गए क्योंकि टायर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम इसलिए 2-3 बंदे उस पर नहीं जा सकते। और आदिल भाई और मैं अब पैदल चल रहे थे, सोचा मैंने यहाँ पे व्लॉग एक बना लूँ क्योंकि आपको पता ही है मेरे एरिया में तो बर्फ़ है, वहाँ पे आप क्या बार बार आपको दिखाऊँगा मैं, आपने 2-3 बार तो बर्फ़ देखी होगी। तो यहीं पर अब मैं इस व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहीं से इंशाल्लाह आगे तक थोड़ा हम पैदल जाएंगे, तो वहाँ तक मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा बहुत, उसके बाद हम घर के लिए वापस रवाना होंगे। अब हम यहाँ से रोड तक वापस जा रहे हैं क्योंकि आबिद भाई ने कॉल की, वो वापस आ रहे हैं, तो अब हम उनका वेट यहीं पे करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत दूर आ चुके हैं, तो अब वो भी आ रहे हैं इसलिए हम रोड पर निकलते हैं। तब तक मैं आपको उसका दूसरा साइड दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कैसा सीन है यहाँ का, बहुत ही मस्त है, मज़ा भी बहुत है। हमारे एरिया में तो बर्फ़बारी की वजह से अभी जो भी ब्यूटी है वो तो गायब हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं
बर्फ वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे कुछ मछुआरे भी हैं, ये देखिए आप, मछली पकड़ने यहाँ पे। तो अब हम घर की ओर चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमें यहाँ पे घूमते। वैसे मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे आदिल भाई भी हैं, वो सामने वेट कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ा व्लॉग क्रिएट करके आ रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में ये एरिया दिखा दिया, बहुत खूबसूरत था। और हम रेलवे स्टेशन से बहुत आगे निकल आए क्योंकि वहाँ पे बैठ के भी क्या करते हैं, बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए हम आगे साथ नहीं गए। तो आबिद भाई गए पार्सल लाने के लिए, तब तक मैंने सोचा व्लॉग क्रिएट कर लेता हूँ। वो अभी पीछे है, ओ भाई मारो, देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या सीन है यहाँ का, कैसा लॉकडाउन है यार। गाड़ी वगैरह अभी भी अच्छे से चल रही है, बल्कि रिस्ट्रिक्शन थोड़ी बहुत है। ये तो मज़ा ले रहे हैं यहाँ से और हम सोचते हैं कि लॉकडाउन है भाई, मास्क वगैरह साथ होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, देख रहे हैं आप यहाँ से भी, आपको मैं दिखा देता हूँ सामने से कुछ मछुआरे यहाँ पे साइड में भी हैं और वहाँ अपोजिट में भी हैं, लेकिन आई थिंक ये रेत वगैरह यहाँ से निकालते हैं। देख भी सकते हैं आप यहाँ पे ऑलरेडी कितनी रेत निकाल के रखी है। तो आपको मैंने इससे पहले भी बता दिया और अब भी दिखा रहा हूँ, ये सामने जो हैं ये मछुआरे हैं, ये देख लीजिए आप। तो यहाँ तो बहुत मज़ा होगा इंशाल्लाह, किसी दिन हम प्लान करेंगे यहाँ पे हम भी देखें क्या हम मछली पकड़ सकते हैं या नहीं। तो अब हम आगे की ओर जाएंगे, अगर वहाँ पे कुछ ख़ास हुआ तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बता दूँगा। फ़िलहाल के लिए हम अभी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि जितना एरिया था ये तो मैंने आपको दिखा दिया।